ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जनता का फैसला आपके सामने आता दिखाई दे रहा है। देश की 17वीं लोकसभा के लिए सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना को करीब 3 घंटे हो गए हैं। काउंटिंग के शुरुआती रुझानों में एग्जिट पोल एग्जिट होता नजर आ रहा है। इससे देश में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, जिससे बीजेपी और एनडीए के घटक दलों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर यूपीए पिछली बार की तुलना में कुछ जगह ठीक प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन एनडीए के आंकड़ों की तुलना में वो बेहतर नहीं कर पाई। कांग्रेस खेमा प्रारंभिक उतार चढ़ाव को देखकर मायूस दिखाई दे रहा है। हालांकि वो ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि ये तो शुरुआती पोजीशन है, हमारा प्रदर्शन एनडीए से बेहतर रहा है और हम अपने मिशन में कामयाब रहेंगे। देश के साथ साथ राजस्थान की 25 सीटों के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां भी बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस की तुलना में 2014 दोहराता नजर आ रहा है। सभी 25 सीटों पर बीजेपी का खासा प्रभाव दिख रहा है। चलिए और अब आप को सुनवाते हैं हम जयपुर ग्रामीण से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो क्या कह रहे हैं। जिस तरह की नई राजनीति इस देश ने देखी, उसी कारण से एक विश्वास के साथ जनता ने मतदान करा। उसके अब रुझान, उसके अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन हर सीट के ऊपर हम लीड कर रहे हैं। निस्संदेह कुछ देर और अगर आप इंतजार करें तो मोदी जी की सरकार वापस से देश में बन रही है। जिस अंडरकरंट की बात कर रहे थे वो यही है, किस तरह से राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएंगी। देश भर में जिस तरह से मोदी का एक तरह से जादू चल रहा है, कहा देखा जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि इतने सालों से इस देश की जो राजनीति वो बिल्कुल घटिया दर्जे पर आ गई थी और ऐसी राजनीति का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा था। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी का काम देश ने देखा है तो एक मजबूत विकल्प देश के हर कोने को, देश के हर राज्य को दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि ये अब पुरानी राजनीति में भारत कभी नहीं जाएगा और बहुत तेज गति से तरक्की करने वाला है। मुख्यमंत्री के बेटे भी सर पीछे चल रहे हैं, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत ने काफी प्रयास किए थे, क्या कहेंगे? देखिए, जिस विचारधारा के साथ हम खड़े हैं वो विचारधारा देशभक्ति की है, राष्ट्रवाद की है और देश के हर नागरिक को मजबूत करने की है। नई राजनीति के सामने, इस सुशासन के सामने कोई टिक नहीं है। जो टीम के कैप्टन होते हैं, टीम के जो कप्तान होते हैं, श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि मोदी जी एक पर्याय बन गए हैं, एक मजबूत सरकार के वो पर्याय बन गए हैं, पारदर्शिता के वो पर्याय बन गए हैं। इस देश की जो शासन की जो मशीनरी है उसको संवेदनशील बनाने के लिए वो पर्याय बन गए हैं, देश को मजबूत करने।